मेरे बाबा 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 मेरे हाल पर तुम्हारा ये करम नहीं तो क्या है, जहां ना हो डगमगाई वही आ गया वही आ गया किनारा। कोई बच्चा खो गया उसका कहाँ है? ऊपर उठाओ दिखा दो भाई, जिनका भी बच्चा हो ले लो। नहीं बेटा रो मत, अभी आ जाएंगे तुम्हारे घर वाले, खाजा वाजा खाने गए होंगे खाजा। हाँ देखो भाई किसकी बच्ची है, जिसकी भी हो भाई ले जाओ, बड़ी मेहरबानी होगी। अपने बच्चों का ध्यान रखे भाई, ये बच्ची स्टेज पर हो रही है, जिसकी भी हो ले जाए। मुझे अब से मुझे प्यागरज के ढूंढू किसी और का सहारा, मुझे प्यागरज के ढूंढू किसी और का सहारा, तो चिरवा शरीफ में धूम मची है, ऐसे नहीं देंगे फिर वो, क्योंकि वो भी गाना बजाना करते थे मेरे गौस बाबा। आप सब बराबर, उनका हारमोनियम भी रखा है। गौस बाबा की, गौस बाबा की, हे गौस बाबा की। जितने लोग स्टेज पे बैठे हैं सब बोलेंगे मेरे सरकार की शादी है। गौस बाबा की, गौस बाबा की, गौस बाबा की, गौस बाबा शादी रची है, गौस बाबा की शादी रची है, गौस शादी रची। न तो ताज न मनसाद लेने I'm gonna make it right.
मुखिया जी की तरफ से ये पैसे आए हैं। एक मुखिया जी और थे, वो कहाँ गए? कहाँ है? नहीं तो दरोगा साहब है। अच्छा, उनके अबू हैं वो, कहाँ है? बहुत बहुत बहुत, क्योंकि वो भी बड़े दीवाने हैं। कहाँ है वो? उनको बुलाइए भाई, ऐसे नहीं चलेगा। ना ना ना, ये तो मेरे गोश बाबा की शादी है और शादी में ही गायब हो रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? गोश बाबा सबके दिली मुरादे वो दुआ करके पूरी करवाते हैं अल्लाह से। फिर बच्चा खो गया भाई, वो बच्ची यहाँ पे रो रही है, जिसकी भी हो आगे ले जाए भाई, अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों का ध्यान रखें। ये बहुत बड़ा मेला है, झारखंड का सबसे बड़ा मेला है ये, चिरवा शरीफ का सबसे बड़ा मेला। यहाँ पे अपने बच्चों का ध्यान रखें, और ये बच्ची बहुत देर से रो रही है, जिसकी भी हो आके ले जाए भाई। जन्नत में कैसे बाबा की एक साथ जाए?
जय को सुना अदरवाइज तवे चाहूंगा हम नूर के बेकर की तरफ देख रहे हैं नूर के बेकर की तरफ देख रहे हैं एक माह मुनव्वर की तरफ देख रहे हैं माह मुनव्वर की तरफ देख रहे हैं मैं सरकार की महफिल में मगन हूं मैं सरकार की महफिल में मगन हूं मैं सरकार की महफिल में मगन हूं सरकार मेरे घर की तरफ देख रजत भाई भाई सगरे साहब जितने भी लोग सरकार के दीवाने परवाने चाहने वाले यहाँ पर आए हैं वो क्या कह रहे हैं अपने राज बाबा से तभी जाऊंगा तू मुझे देना है बाबा तो काम चलता है तू मुझे देना है बाबा तो काम चलता है तेरे टुकड़ों पे मेरा खानदान खोलता है यकीन मानिए इतनी बीमारियां फैली इतना लॉकडाउन लगा लेकिन यहाँ के रहने वाले परेशान नहीं हुए ऐसा कर्म किया सरकार ने सबको भर दिया देने वाला अल्लाह दिलवाने वाले बुजुर्गाने दिए अल्लाह देता है पर दिलवाते ही हैं क्योंकि इनकी दुआओं में इतना असर होता है ये हाथ उठाकर दुआ मांगते अल्लाह फौरन कबूल कर लेता हमारे क्या नाम बताया फारूक भाई क्या बात है अल्लाह सलामत रखे फारूक भाई तुम जाऊंगा हाँ भाई गुलाम है तब जो चाहूंगा उनके उनसे खास तौर पर इसी सबब से तो सब मुझको जान जाते हैं इसी सबब से तो सब मुझको जान जाते हैं तो सब मुझको जान कहीं भी जाइए कहीं भी किसी भी महफिल में जाइए फौरन ही दीवाने समझ जाएंगे क्या भाई चिरवा शरीफ से आए हैं इसी सबब से तो सब मुझको जान जाते हैं इसी सबब से तो सब मुझको जान जाते हैं इसी सबब से तो सब मुझको जान जाते हैं तेरी गुलामी का पट्टा है मेरी गर्दन में Oh,
ਬੋਸ ਬਾਬਾ चले गए दरगाह में से बेशक करामत बाबा की। और एक करामत और सुनने की मिली थी मुझे, जो भाई ने बताया था कि जब बाबा हयात थे तो कुछ सीआईडी वाले आए, उन्होंने कहा बाबा तुम सोने का काम करते हो, तो बाबा ने कहा बैठ जा, तो वो ऐसे बैठे कि उठ ही नहीं पाए, ऐसे बैठे कि उठ ही नहीं। उस टाइम यहाँ पे जंगल हुआ करता था, तो ऐसे बैठे तो वो उठ ही नहीं पाए। फिर हाथ जोड़ा, माफी मांगी, तब उन्होंने कहा जाओ ये लो समोसे खा लो, तब जाके उनको छोड़ा। खासतौर पर बताऊं हम क्या खूब रहमतों की ये बरसात लाई है, अख्तर भाई, भाईजान जो अख्तर भाई के रिश्तेदार हैं उनसे भी, जाबिर भाई, रशाद भाई और हमारे दरोगा साहब, हमारा भाई, खास तौर पर तो जो हम देखिए मर्तबे इश्क का दस्तूर निराला देखा उसको ऐसे करेंगे जैसे करेंगे बात, जीते जी तो दिल को ढके और मरे तो जाए साथ। कि जब आप उनको याद करके तन्हाई में बैठते हैं तो आपको ऐसा लगता होगा जैसे गौस बाबा आपके आसपास ही हैं। अंधेरी रात है साया तो हो नहीं सकता, अंधेरी रात है साया तो हो नहीं सकता, बाबा फरीद आए देखो पाक पतन से।
भाई कुर्बान जाइए कितने बुजुर्गाने दिन आ रहे हैं भाई तब भी जाऊंगा फिरोज भाई तशरीफ लाए दिल्ली से दिल्ली के महाराज यहां से प्रणाम करके हम अपने घर जाते हैं दिल्ली जब हम यहां से प्रणाम करके दिल्ली जाते हैं तो वहां पर जाकर जिक्र होता है बातें होती हैं जो हमारे जानने वाले लोग हैं उनसे बातें होते हैं कि नहीं यार चिरवा शरीफ में वाकई में कव्वाली सुनी जाती है तो उसी को ध्यान में रखते हुए शायर ने क्या कहा है सुनिएगा दिल्ली नहीं पंजाब नहीं राजस्थान में चिरवा शरीफ में धूम मची है
अपनी शेर समझ चाहूंगा। हिंदू और मुसलमान नहीं गुलाम को, इस शादी में दावत है सभी।